हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में जिस गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है चार्ल्स मेटकॉप। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में, और नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉर्ड एलिनबरो के बारे में, और इनके बाद पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। तो ये सब गवर्नर जनरल के समय कौन कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुआ, कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, सारे को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनता है। तो मैं आपको यही क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है, और पूछे जाने का चांस इसलिए है क्योंकि पिछले साल जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, पिछले साल से जितना भी एग्ज़ाम होते आया है, सभी एग्ज़ाम में लगभग लगभग ये सब क्वेश्चंस देखने को मिला है, तो इसलिए इसका चांस ज़्यादा होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप ये वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्ल्स मेटकॉप के बारे में, और इसके पिछले वीडियो में हम सबने किसके बारे में पढ़ा था, तो वो मैं बता देता हूँ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में पढ़ा था, लॉर्ड एम हर्स्ट के बारे में पढ़ा था, और लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में हम सबने पिछले वीडियो में पढ़ा था। साथ ही साथ लॉर्ड मिंटो पढ़ता, मतलब जितना भी इसके ऊपर जो है गवर्नर जनरल है सबके बारे में हम सबने पढ़ चुका है। जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया उसको आप जाके जरूर से ज़रूर देख लें, ताकि लूसेंट हिस्ट्री का कोई भी जो टॉपिक है आपसे नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉर्ड मेटकॉप के बारे में। तो सबसे पहले याद रखना है कि लॉर्ड मेटकॉप का जो शासनकाल है वो है 1835 से 1836 तक। एक साल इन्होंने सिर्फ शासन किया, और एक साल में इन्होंने क्या किया, तो सबसे अच्छा काम इन्होंने ये किया कि इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया। पहले क्या था, प्रेस पर नियंत्रण लगा दिया गया था, लेकिन जब ये आए तुरंत इन्होंने प्रेस पे नियंत्रण हटा दिया, और इसलिए इसे याद रखना है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन लगभग छः से दस बार बन चुका है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकॉप को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनते आया है। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड, इनका शासनकाल 1836 से 1842 ईस्वी तक है। इनके बारे में याद रखना है कि इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 ईस्वी तक इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही याद रखना है कि 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत भी करवाया था। तो कलकत्ता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाने का कार्य 1839 में कौन करते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड एलिनबरो, इनका शासनकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक था। इनके बारे में याद रखना है कि इनके शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है। मैंने अभी तो आपको बताया कि प्रथम आंग्ल जो अफगान युद्ध है इनके समय जो है स्टार्ट हुआ, और इनके समय जो है याद रखना है कि समाप्त हुआ था, ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है इनके समय समाप्त हुआ था। इनके बारे में याद रखना है कि सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य किसने किया, तो लॉर्ड एलिनबरो के टाइम में किया गया था। कब किया, और ये टाइम कौन सा था, 1843 ईस्वी में। इनके बारे में याद रखना है कि दास प्रथा का अनुमूलन इसी के समय हुआ था, मतलब दास प्रथा की समाप्ति जो है ये किसके समय हुआ, लॉर्ड एलिनबरो के शासनकाल में। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये दास प्रथा को आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है, देखिए इस तरह का बहुत सारा प्रथा था जो इससे क्वेश्चंस पूछा जाते, जैसे हो गया दास प्रथा, जैसे हो गया सती प्रथा, जैसे हो गया ठगी प्रथा। तो ये मैंने बताया था कि जो सती प्रथा था, ठीक है, सती प्रथा, उसी तरह ठगी प्रथा, तो ये सब जो है याद रखना है किसके शासनकाल में, मतलब कि ये दोनों किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय जो है याद रखना है ये समाप्त किया गया था। अगर बात करें सती प्रथा कब समाप्त हुआ था, तो याद रखना है कि 1829 ईस्वी में, और अगर बात करें ठगी प्रथा जस्ट इसके एक साल बाद 1830 ईस्वी में जो है ये समाप्त किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग के बारे में याद रखना है कि लॉर्ड हार्डिंग का जो शासनकाल है ये 1844 से 1848 ईस्वी तक है। इनके शासनकाल में याद रखना है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, 1845 से 46 ईस्वी में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था, अंग्रेज जो है विजय हो गया था, मतलब जो अंग्रेज थे वो जीते थे। इनके बारे में याद रखना है कि इनके शासनकाल में नर बलि प्रथा को समाप्त किया गया था,
ठीक है, नर बलि प्रथा इन्हीं के शासनकाल में समाप्त हुआ था। तो ये था लॉर्ड हॉर्डिंग का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।